अगर आप अपना जॉब पसंद नहीं करते हैं, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, अगर आप फ्रीलांस में कुछ करना चाहते हैं, तो 7 ऐसे टिप्स हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, डिजिटल मंकी इस चैनल पे। सो द फर्स्ट टिप इज़, इट डजंट मैटर इफ़ यू लाइक योर जॉब और नॉट, प्लीज़ डोंट क्विट इट। अगर आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हैं या फ्रीलांस में करियर करना स्टार्ट करने के लिए, तो आप अपना जॉब मत छोड़िए। सो फर्स्ट टिप इज़, फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपना जॉब मत छोड़िए फ्रीलांस में करियर करना। आप उसके साथ साथ भी अपना फ्रीलांस में करियर कर सकते हैं जॉब के साथ साथ, ओके। सेकेंड टिप, बिल्ड योर नेटवर्क। आप अपना नेटवर्क बढ़ाइए, आपके कनेक्शंस बढ़ाइए। आपके शहर में, आपके सिटी में जो भी मीटअप्स होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप अपना प्रेजेंस रखिए, आप अपने कनेक्शंस बढ़ाइए। एंड फेसबुक ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए, आपके जो स्किल्स हैं, जो भी नीश है आपका, जिसमें आप स्किलफुल हैं, उससे रिलेटेड जो भी फेसबुक ग्रुप्स हैं वो, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। देन लिंक्डइन में अपने कनेक्शंस बढ़ाइए। लिंक्डइन के ऊपर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। जो भी आपका स्किल है, उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं वहाँ पे, उसके साथ आप कनेक्शंस बनाइए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। थर्ड टिप इज़, लर्न द स्किल्स एंड गेट बेटर एट इट। देखिए, आपके पास अगर स्किल्स नहीं है, आपके पास वो उस तरीके की, उस लेवल की एक्सपर्ट स्किल्स नहीं है, तो आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। सो द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, लर्न द स्किल्स। फेक इट अंटिल यू मेक इट, ये जो एटीट्यूड है वो काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, वो एक्सपर्ट लेवल का स्किल नहीं है, तो आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, आपका आपको क्लाइंट एंटरटेन नहीं करेगा उस लेवल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्किलफुल बनिए। डिजिटल मार्केटिंग जो है, डिजिटल मार्केटिंग में तो ये ऐसा चलता नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, वो प्रॉपर एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। फोर्थ टिप इज़, लर्न द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको टाइम पे डिलीवर कीजिए अपने क्लाइंट को। उससे क्या होगा कि आपका क्लाइंट भी रिटेन रहेगा और आपकी एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, लर्न द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ओके। देन फिफ्थ टिप इज़, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, अगर आज की डेट में आपके पास अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आप अपना जो है क्लाइंट को अपनी सर्विसेज पिच नहीं कर पाएंगे। सो आपके पास दोनों वर्बल और रिटन दोनों कम्युनिकेशन स्किल्स रहने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास लिसनिंग स्किल्स एक बहुत अच्छा रहना चाहिए, कि आपका क्लाइंट आपसे क्या चाहता है, तो उसको सुनिए आप। उसके बाद डोंट लिसन टू रिस्पॉन्ड, लिसन टू अंडरस्टैंड, ओके। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल एंड रिटन, ठीक है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। सिक्स टिप जो है, बिल्ड योर एसेट्स लाइक अ ब्लॉग, यूट्यूब चैनल। अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, आपका एक अगर ब्लॉग बना सकते हैं तो ब्लॉग बनाइए। देन पॉडकास्ट अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो पॉडकास्ट स्टार्ट करिए। ये बहुत अच्छा एक माध्यम है आप फ्रीलांस में, आपको एक मतलब एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, और आपका एक पर्सोना क्रिएट होता है उससे, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन क्लाइंट्स एवरी टाइम, ओके। स्टार्ट वर्किंग पैसिव स्ट्रीम्स जो है इनकम के, उसके माध्यम ढूंढते रहिए, ठीक है। जैसे कि ब्लॉग्स हो गया, यूट्यूब चैनल, देन पॉडकास्ट, इस तरीके के माध्यम में आइए। आप अपना एक खुद का एक एसेट बिल्ड कीजिए, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, डोंट कॉल यूर सेल्फ एज अ फ्रीलांसर, ओके। कॉल यूर सेल्फ एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। उससे क्या होता है कि एक इट क्रिएट्स गुड इंप्रेशन, ओके। थोड़ा बहुत एक नेगेटिविटी टाइप सा फील भी नहीं आना चाहिए कि एक फ्रीलांसर हो तो आगे जो भी क्लाइंट है या जो भी जिससे आप मीट करते हैं, तो उसका एक थोड़ा सा एक इंप्रेशन। कॉल यूर सेल्फ एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके। सो डोंट कॉल यूर सेल्फ एज अ फ्रीलांसर। सो ये 7 टिप्स हैं जो आपको सक्सेसफुल एक फ्रीलांस करियर अगर आप बनाना चाहते हैं, तो अच्छा एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो लाइक बटन को हिट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।